फ्रेंड्स, आजकल लुकआउट फ्रूट्स मार्केट में आ चुके हैं। इसके मज़ेदार से फ्रूट में जो बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट हैं, आप भी इसे फ़ायदा उठाइए। आज की वीडियो दोस्तों इसलिए बना रहे हैं कि आजकल इनका सीज़न है, मार्केट में ये फल आ चुके हैं, तो आप भी इन फलों को इस्तेमाल कीजिए और खूब खूब सेहतमंद रहिए। इस वीडियो में आपको लुकआउट का प्लांट भी दिखाएंगे, फ्रूट्स भी दिखाएंगे और सीड भी दिखाएंगे। दोस्तों, अगर आप गूगल पर जाकर सर्च करें और इसके हेल्थ बेनिफिट्स आपको मालूम हो जाएं, तो यकीन जानिए फ्रूट शॉप पर सबसे पहले आप लुकआउट फ्रूट ख़रीदना पसंद करेंगे। फ्रेंड्स, लुकआउट ट्री इन्फॉर्मेशन के नाम से लास्ट ईयर की हमारी वीडियो यूट्यूब चैनल पर पहले से मौजूद है। स्मॉल गार्डन विद आरजे को सर्च कीजिए, एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, हेल्पफुल वीडियो है, इससे आपको बहुत सी मालूमात होंगी। आज की वीडियो में दोस्तों सीड से प्लांट ग्रो करना बता रहे हैं, इसलिए कि जब आजकल फल आए हुए हैं तो हम सीड भी कलेक्ट करके रख रहे हैं। आगे मॉनसून सीज़न आने वाला है तो हम इनसे प्लांट भी ग्रो करेंगे। दोस्तों, लुकआउट ट्री का हर पार्ट में बेशुमार फ़ायदे हैं। इसका फल, बीज, बिलखसूस इसके हरे हरे पत्तों में स्किन की कई बीमारियों का इलाज मौजूद है। अगर आप गूगल पर सर्च करें तो आपको मालूम होगा। इसके पत्ते सुखाकर स्टोर करके इनकी टी बनाकर पी जाती है और उनसे लिए जाते हैं, हमारी सेहत के लिए बहुत सारे बेनिफिट्स। इसके ग्रीन पत्तों का पेस्ट बनाकर एक्जिमा की बीमारी में यूज़ किया जाए तो फ़ायदा होता है। इसके अलावा दोस्तों इसके और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। हम आपको लुकआउट का प्लांट भी दिखा रहे हैं। बहुत सारे दोस्त हमसे मालूम करते हैं इसका पौधा कैसा होता है, इसके पत्ते कैसे होते हैं, इसे किस तरह ग्रो किया जाता है, तो ये तो आप हमारी पुरानी वीडियो में देख लें। आज की वीडियो में बस हम आपको सीड से ग्रो करना बताएंगे इसके प्लांट और दिखा रहे हैं आपको ये खूबसूरत लुकआउट का प्लांट। मुझे ये बहुत पसंद है। इसके मखमली पत्ते अगर आप छूकर देखें तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, ग्रीनिश देते हुए, बहुत ही प्यारे खूबसूरत पत्तों वाला लुकआउट प्लांट। तो फ्रेंड्स, दिखाते हैं आपको किस तरह हम लुकआउट फ्रूट के जो सीड्स हैं उन्हें कलेक्ट कर सकते हैं। और ये देखिए, ये किस तरह से इसके सीड निकल रहे हैं, तो हम इन्हें इकट्ठा करके भी आपको दिखाते हैं। अब इसका फ्रूट जो है वो हम उसको खाने में यूज़ कर लेंगे या उसका जूस बना लें। देखिए, कुछ लुकआउट में दो सीड निकलते हैं और कुछ लुकआउट में ज़्यादा भी सीड निकलते हैं, चार भी निकल आते हैं, जो इसका बहुत बड़ा साइज़ होता है। और इन सीड को हम ग्रो भी करेंगे और इस फ्रूट्स को हम ड्रिंक बनाने में यूज़ करेंगे, खाने में यूज़ करेंगे। बहुत ही मीठा, मज़ेदार और खुश जायका फल है और बहुत सारे इसमें हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं। तो इस तरह से देखिए कलेक्ट करते हैं ये सीड, कैसे ब्यूटीफुल बीट्स के जैसे हैं ये, जैसे पर्ल होते हैं ब्राउन कलर के, शाइनी शाइनी से पर्ल। फ्रेंड्स, सीज़न का हर फल हमें इस्तेमाल में लाना चाहिए और अगर हम गार्डनिंग के शौक़ रखते हैं तो फिर उसके सीड से हम बहुत सारे प्लांट भी बना लेते हैं। लास्ट ईयर मैंने इसके चार प्लांट बनाए थे। तो फ्रेंड्स, देखिए किस तरह से हमें बहुत सारे सीड मिल गए हैं और हम इन्हें फौरी ग्रो करेंगे, इसलिए अभी इनमें मॉइस्चर है तो ये बहुत जल्दी इनमें रूटिंग स्टार्ट होगी, ऐसी उम्मीद है कुछ हमें। इसलिए कि अगर ड्राई सीड हम रख देते हैं स्टोर करके और फिर उसके प्लांट ग्रो करने की कोशिश करते हैं तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। तो फ्रेंड्स, मेरे पास है एक लुकआउट फ्रूट और आज हम इनको ग्रो भी कर लेते हैं, इसलिए कि फ्रेंड्स फिर इनका सीज़न चला जाएगा। तो फ्रेश सीड हम निकालते हैं
और हमने लिया है ये देखिए सोयल मीडिया 200। ये मेरे पुराने गमलों की मिट्टी है, न्यूट्रिएंट्स से भरपूर है, इसलिए कि विंटर के फ्लावरिंग प्लांट जब ख़त्म हो गए तब हमने ये मिट्टी जो है अब हम इनको इस्तेमाल कर रहे हैं। न्यूट्रिएंट्स से भरपूर है, भुरभुरी मिट्टी है और हमारे इस पॉट के नीचे है ड्रेनेज होल। तो चलिए हमने इसमें पहले से वाटरिंग भी कर दी है ताकि सोइल जो है नीचे की साइड दब जाए। और ये देखिए अब हम इनमें होल बनाते हैं। एक पॉट में 3 सीड लेंगे हम। तो फ्रेंड ये देखिए लोकार्ट में से ये मैंने फ्रेश सीड निकाला और अच्छे हेल्दी मोटे मोटे सीड हैं दोस्तों। उम्मीद है कि ये मॉनसून सीज़न स्टार्ट होते ये मई मंथ है, जैसे ही बारिशें शुरू होंगी तो बहुत जल्दी ये फुटाव पर आ जाएंगे। इस तरह से हमने इसको सोइल से कवर करा। कुछ और सीड है मेरे पास, ये देखिए इसको भी हम लेकर दूसरे पॉट में लगाते हैं। बहुत ज़्यादा गहरा होल नहीं करना है दोस्तों, बस आहिस्तगी से हम इसको रखेंगे और इस पे अपना मिट्टी को स्प्रिंकल कर देंगे। बहुत गहराई में हमें नहीं रखना है। ये मेरे पास बहुत भुरभुरी और अच्छी मिट्टी है। इसी तरह कुछ और सीड लेते हैं। इसको क्लोज दिखाना, ये देखिए आहिस्तगी से हमने रखे और उसके बाद ये भुरभुरी मिट्टी से स्प्रिंकल कर दिया। दोस्तों इसको कोकोपीट से भी कवर किया जाता है, लेकिन जो चीज़ हमारे पास मौजूद है हम इसको उसी से करेंगे। कुछ और सीड भी दोस्तों हम कर देते हैं। ये देखिए अभी मेरे पास बहुत सारे सीड हैं, इनको हम इसी तरह करते हैं, ये रखते जाएंगे दोस्तों। और ये मेरी भुरभुरी मिट्टी है। मॉनसून सीज़न में जैसे ही बारिशें शुरू होंगी तो आप देखिएगा कितनी जल्दी हम इसका रिज़ल्ट दिखाएंगे, क्योंकि लास्ट ईयर दोस्तों हमारा एक्सपेरिमेंट कामयाब रहा था और मुझे कई प्लांट मिले थे लुकार्ट के। इसके अलावा और भी बहुत सारे सीड जो हैं जो नहीं जर्मिनेट हो पा रहे थे, वो सारे के सारे मॉनसून सीज़न में बड़ी तेज़ी के साथ जर्मिनेट हुए और बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला था हमें। अब हल्का सा मैं इसमें पानी का छिड़काव कर देती हूँ। नीचे तो दोस्तों हमने इसमें पहले से सोइल में पानी डाल दिया था। दोस्तों लुकार्ट फ्रूट्स मुझे इसलिए भी पसंद है कि इसमें बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं, और सबसे बढ़कर ये इसके जो ग्रीन ग्रीन लीव्स होते हैं ऐसे मखमली और खूबसूरत होते हैं कि बहुत ग्रीनिश देने वाले होते हैं। तो इसलिए मुझे इसके प्लांट भी बहुत पसंद है, चाहे वो फ्रूट दें और या ना दें। थोड़ा सा इसमें कम मिट्टी थी ये पानी डालने से कम हो गई, और हम कोशिश करेंगे कि हमें बेहतर से बेहतर रिज़ल्ट मिले। तो इसलिए हमने करना ये है कि हम इसे पॉलीथीन से कवर करते हैं। एक शॉप पर से हम आपको दिखा देते हैं कि ये पॉट जो है मैं पॉलीथीन से इस तरह कवर करूंगी और फिर इसे दूसरे प्लांट के साथ ऐसी जगह रख दूंगी जहां सुबह की थोड़ी सी धूप इन्हें मिले, मॉर्निंग की हल्की नर्म सनलाइट इनको मिले, ताकि ये जर्मिनेट होने में इनको आसानी हो। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको हमारी ये शेयरिंग, किस तरह हम लोकार्ट फ्रूट्स के सीड को जर्मिनेट कर सकते हैं आसानी के साथ।